चीज़ें जो कि एम एस धोनी के लिए बहुत ही अच्छी दोस्तों पांच चीज़ें जो कि जो है एम एस धोनी हर दिन जो है अपना रूटीन में करते, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम में हो, चाहे वो किसी भी मतलब अपनी लाइफ स्टाइल में हो दोस्तों, जो है ये पांच चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि उनका सर्कल है, वो ये चीज़ें करते ही करते, चाहे वो कोई क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो अपनी लाइफ स्टाइल में रह रहे हो। तो दोस्तों चलिए आते हैं ऐसी पांच चीज़ें। तो दोस्तों पहली चीज़ है कि वो इम्प्रूवमेंट चाहिए हमेशा, जैसे कि एक बार मतलब चार बार छक्के मारे तो सिक्स बार छक्के, फिर आठ बार छक्के, फिर दस बार छक्के, तो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब एक साइकिल बना लो आप इम्प्रूवमेंट का, कि देखो जैसे कि मैं इम्प्रूवमेंट कैसे करूँगा वो देख लो आप, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है उसके चार पॉइंट्स बता देता हूँ। इम्प्रूवमेंट कैसे करना है तो दोस्तों पहले आपके निकालो, आपको बिगेस्ट रिकॉर्ड गया उसको पकड़ो, उसके माइंड में रखो, ठीक है। दो पॉइंट हो गए, एक तो उसको लिखो माइंड में रखो, फिर उसको सोचो कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा जिस वजह से मैं उस चीज़ को टारगेट को तोड़ सकूँ। जैसे अगर आप देखो, मैं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप हुसैन बोल्ट को देखो तो उन्होंने मतलब एक बार बना दिया 9.68 का रिकॉर्ड, फिर 9.63, फिर उसके बाद 9.58 का रिकॉर्ड बना, तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो जो है ये हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं जब तक जो है इनका बेस्ट नहीं लग जाता दोस्तों। जैसे कि जो है मतलब कि और देखते भी, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं इम्प्रूवमेंट के साथ। जैसे कि अगर हम लोग वर्ल्ड कप में हारे, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो देखेंगे हाँ ठीक है कि इस वजह से मतलब ये इम्प्रूव करूँगा तो इससे ये इम्प्रूव हो जाएगा जिससे हम जीत जाएंगे दोस्तों। जो है ये उनकी जो है अच्छी थी, जिस वजह से जो हम ODI मैचेज में भी जीते और टेस्ट मैचेस में भी जीते, T20 मैचेज में भी जीते, वर्ल्ड कप में भी जीते 2011 के दोस्तों जो है ऐसे करते हैं, मतलब अगर ऐसे ही करते रहे सब लोग मतलब इम्प्रूवमेंट। जैसे कि हुसैन बोल्ट का टाइमिंग आया 9.68, तो ऐसे जो है घटाते इम्प्रूव करने का अपनी चीज़ों को। और दोस्तों इस आप पहले लिखो, मतलब लिखने से क्या होगा कि आपको समझेगा कि हाँ मेरा है करो और उसमें इम्प्रूव क्या करना है, मेरा क्यों ऐसा किया था, मेरा मैं क्या कॉन्फिडेंट था, सेकेंड पॉइंट कि क्या कॉन्फिडेंस था मेरा जिस वजह से जो है मैं इतना अच्छा कर पाया। फिर दोस्तों उसका जो है डबल कॉन्फिडेंस करो, मैं आपको बोलता हूँ 100% आपको होगा। जैसे कि अगर आप कर रहे हो, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग में सीना अगर ऐसे, ठीक है, फिर अगर आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो ऐसे, तो आपकी ऐसी रनिंग अच्छी होगी या ऐसे रनिंग अच्छी होगी, ऐसी होगी ना दोस्तों। जो है मतलब धीरे धीरे जो आपको देखना है कि क्या चीज़ गलत हुई है और उस चीज़ को जो है करेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, जिस वजह से आपका सारा काम अच्छी तरह हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस में यह है कि दोस्तों जो उनको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मतलब ये इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मत रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है जिससे आपकी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए, आप एक ही चीज़ में हार जाओ, ठीक है दोस्तों। तो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो पर कम रखो, इतना भी मत रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो, ठीक है दोस्तों। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या है कि आपको जो है अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ जो है रखना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होता है कि मतलब अगर आप दिमाग से ही हारेंगे, बोलेंगे नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, तो जो आप पक्का हारोगे। और अगर आपने बोला नहीं मैं कैसे हार जाऊँगा, मैं तो फाइनल्स तक पहुँचूंगा, मैं तो जीतूंगा ही दोस्तों, जो है ऐसा अगर माइंडसेट रहेगा ना आपका दोस्तों, जो है माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ऐसा वाला दोस्तों, जो है आपका जो है हर चीज़ ठीक हो जाएगी आपकी, जो बिल्कुल अच्छी तरह। मतलब दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकली भी अच्छे हो और अगर मेंटली वीक हो ना तो आप कभी नहीं जीतोगे। देखो मेंटली बोला है कौन है रे, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊँगा, वो होता है कॉन्फिडेंस। पर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होता है, मैं जीत जाऊंगा, देख लेना मैं फाइनल तक कोशिश करूंगा, चाहे मैं नहीं जीतूं फिर भी मैं जो जीतने की कोशिश करूंगा, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि आपको जो है एक चीज़ के ऊपर अटक के रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है हमेशा, फिजिकली चाहे स्ट्रांग रहे या ना रहे पर मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा दोस्तों अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो। दोस्तों चलिए अंत थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। दोस्तों जो है इनकी कैप्टनसी में जो है
ये कैसे आगे बढ़े, इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को कैसे जला दोस्तों, जो है वो है कि ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत अच्छी थी। ये हमेशा ऑब्जर्व करते थे, जैसे कि अपने से बेस्ट क्रिकेटर है तो उनको देखते थे, हाई इसने ये क्यों जीता, किस वजह से जीता, कैसे जीता, कौन से ट्रक से जीता, दोस्तों जो उस चीज़ को करते थे और इस चीज़ को ही फॉलो करते थे, और जिस वजह से क्या होता था, ऑब्जर्वेशन स्किल्स से उनका इम्प्रूवमेंट होता था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग भी उनके जैसे ऑब्जर्वेशन करो, जैसे कि मतलब कि उनसे अच्छे खेल रहे हैं, मतलब कि धोनी जब नए नए आए थे नेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो सचिन तेंदुलकर उनके सीनियर थे, तो सचिन तेंदुलकर पहले उनसे अच्छा खेलते थे, तो वो देखते थे सचिन तेंदुलकर कैसे खेलते हैं, उनकी ट्रिक्स क्या है, उनसे सीखा, ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उनसे करा, फिर वो उनके बराबर के बन गए, जिस वजह से जो उनको ऑब्जर्वेशन स्किल जो है सीखने को मिली अपने इंटरनेशनल करियर में दोस्तों। अभी चलिए आते हैं हम लोग दोस्तों चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन दोस्तों। जो है उनका डिसिप्लिन जो बहुत हाई लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि उनके जो कोच थे पहले, उन्होंने बोला कि टाइम पे अगर कोई नहीं आया तो सबको सजा मिलेगी दोस्तों। जो है उन्होंने बोला कि सबको बुलाया और उन्होंने बोला कि सबको सजा मिलेगी अगर एक लाइट आया तो दोस्तों। उन्होंने जो है एम एस धोनी ने कैप्टनसी के साथ साथ जो है उनकी टीम को जो है टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया, जिस वजह से उनको पता चलता है कि डिसिप्लिन कितना अच्छा है उनको, जो कि वो अलग लोगों को भी सिखा रहे हैं, जो अपने लोग हैं उनको भी सिखा रहे कि कैसे जो है डिसिप्लिन लाया जाए अपने खेल में। और दोस्तों जो है एम एस धोनी जो अपने वर्क में भी जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते थे, हमेशा जो डिसिप्लिन से काम करते थे दोस्तों, जिस वजह से जो है उनका एक डिसिप्लिन माइंड बन गया कि ये इतनी बजे उठना है, ये इतनी बजे करना है, ये एक सेकेंड ना पीछे, एक सेकेंड ना आगे, बिल्कुल टाइम से करना है उनको, जो भी आए चीज़ उसको टाइम से करो बिल्कुल दोस्तों। ये जो है उनसे सीख मिलती है एम एस धोनी से दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप बड़े फ़ैन हैं एम एस धोनी के दोस्तों, जो है आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों को शेयर भी करिए, जिस वजह से पता चले कि चार ऐसी चीज़ें जिस वजह से जो एम एस धोनी ने इतना ज़्यादा अच्छा बड़ा करियर बनाया उनकी लाइफ में छोटे से गांव में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना, थैंक यू।